क्या मामला है मैम? मामला ये है कि कोरहा फलका में थॉमस बांध कटने से 2017 से इस बार बहुत ज़्यादा बाढ़ आई और बाढ़ से 8 पंचायत हमारे फलका के पूरा एकदम ध्वस्त हो गए। घर कितना गिर गया, कितने लोग घर से बेघर हो गए। कई लोग जो है न्यू हॉस्पिटल जो बन रहा है उसमें लोग आश्रित थे, उसके बाद फिर स्कूल में आश्रित थे, लेकिन फिर भी जो होना चाहिए सरकार के तरफ से, जहाँ कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी बराबर उनकी बयान आते रहे कि हम लोगों को कोई भी असुविधा नहीं है, सारी सुविधा बाहर रातों को मिलना चाहिए, लेकिन कोड़ा फलका के लोगों के लिए कोई सुविधा जो मिलना चाहिए, पॉलीथीन का भी सही से वितरण नहीं किया गया, जहाँ तक कि चारा जो गाय को जी इतनी दिक्कत हुई, चारा की भी कोई व्यवस्था नहीं थी और ना कहीं पर भी फलका में किचन खोला गया और जहाँ खोलना चाहिए ना वहाँ किचन की व्यवस्था थी, और सूखा राशन के नाम पे कहीं पे 20-25 पैकेट दे दिए, उसके बाद लोग इतने परेशान रहे, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था होना चाहिए बाढ़ राहतों की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी। हम जब घूमने के क्रम में जब अपने लोगों को बीच गए, लोगों ने बहुत सारी बातें कहे कि हम लोग परेशान हैं, हम लोग भूखे हैं, दो दो दिन से उनके परिवार बच्चे भूखे रहे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं उसके लेकर। हम आम जनता के लिए ताकि जो GR की राशि है वो पूर्ण जो बाढ़ पीड़ित के लोगों के 100% GR की राशि मिले और किसानों को जो क्षति हुई है फसल उनका भी पूरा मुआवजा मिले, ये हमारे धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ। कि क्या लगता है कि सरकार तटबंध को लेकर संवेदनशील नहीं है? देखिए, सरकार तटबंध के लिए 2017 में ही तटबंध में जो बांध जो आज जो बांध टूटी है उस बांध में जो कटने के कारण कई मशक्कत के बाद 2017 में हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया, उसी समय वो बांध ध्वस्त था, लेकिन आज जो 2019 आ गया, दो सालों में अगर उनकी मरम्मत होती तो आज ये बांध नहीं कटते, और सही ढंग से मरम्मत नहीं होने के कारण ये बांध कटी, और बांध कटने के कारण बहुत ज़्यादा क्षति फसल का भी हुए और लोगों को भी परेशानियाँ उठाना पड़ा और घरों में पानी आई। क्या लगता है जिला प्रशासन का आरोप है कि तटबंध कटा नहीं? प्रशासन कोल्हापुर जो कोलात्री के बगल में है वहाँ उत्तरी सिमरिया पंचायत अंतर्गत इब्राहिम जी आए हैं, डिगरी पंचायत से इब्राहिम जी आए हैं, वो बताएंगे कि इनको बाढ़ में किन किन समस्याओं से करना पड़ा और जो प्रशासन के तरफ से व्यवस्था होना चाहिए क्या स्थिति है, और हम चाहेंगे कि जो एक सूची एक बुलवाइए जिससे कि अपनी बात को वो रख पाए, उनकी क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। कितना दिक्कत हो रहा है वहाँ पर। अब अजीजू जी नहीं था, आपको बलरामपुर प्राणपुर कदवा में आप किसी तरह डैमेज कंट्रोल किए, लेकिन जिसका आपको जिसके लिए सरकार के ये हमारे जो आए हैं वो लोग